और इन बातों को लोगों तक अगर नहीं बताइएगा कि कितना काम हुआ, ये बताना बहुत जरूरी है नई पीढ़ी को। और हम तो आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि भाई ये जो हमारे इंजीनियर्स हैं इनको मालूम नहीं है पुराने इंजीनियर्स को, और उस समय की तस्वीरें आपके पास नहीं रहती थी, आप अपने रिकॉर्ड से निकालिए पुरानी तस्वीरों को जो वहां के जगह जगह के सड़कों का है, मुख्य सचिव जी भी यहां पर है, जरा उन सड़कों का तस्वीर निकालिए। और हम तो कहेंगे यहां पर बैठे हुए हैं हमारे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव, जरा इसको एक एक चीज को आप चलवाइए, पहले क्या था अब क्या है। आई नया जो मोबाइल देख रहा है, कम उम्र के ही लोग ही ज्यादा देख रहे हैं, जब तक देखेंगे नहीं तो सच्चाई जानेंगे कैसे कि कितना काम हुआ। और उसके साथ साथ यह भी दीजिए, डेली बताइए और कहिए कि कितना काम हम लोग और करने वाले हैं, कहां पहुंचाने वाले हैं, किस जगह पर ले जाने वाले हैं, कहीं पर अगर कोई कमी हुई है तो कैसे उसको हम और ऊंचा करेंगे और उसका चौड़ीकरण करेंगे। तो इस सब चीजों के बारे में, अपनी पॉलिसी के बारे में भी और जगह जगह के बारे में उसका तस्वीर दिखाइए, पहले की तस्वीर दिखाइए और आज की तस्वीर दिखाइए। तो नई पीढ़ी का जानना बहुत जरूरी है, नई पीढ़ी के कोई एक एक चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब आज तो हम लोग पथ निर्माण की बात कर रहे हैं, आज हम लोग क्यों हेल्थ की बात करें और एडुकेशन की बात करें, लेकिन नहीं होता। कई लोगों का क्या स्टेटमेंट आता है साहब, आप बताइए जो खतरा कोरोना का है ये कोई सरकार का है, आप जरा बताइए, दुनिया भर में कोरोना फैला है और तब भी कोई कुछ बोलते रहता। अरे भाई, इससे बचाने के लिए जितना काम हो रहा है, जो संभव है, जो भी एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है और जिस तरह से एक एक चीज काम कर रहे, तो किसी को कोई सेंस है ये बताइए, ये कहिएगा क्या कि जो कोरोना हो गया तो इसके लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल है? ये पूरे दुनिया में फैला हुआ, सबसे अमीर और सबसे विकसित देश सबसे अधिक फैला हुआ है अमेरिका में, बताइए, वहां इतना रिसर्च, इतना साइंस, सब चीज के बाद भी अभी बताइए सबसे अधिक है। तो इंडिया में है तो उस पर चर्चा करेगा, और इंडिया में भी तो बहुत लोग जानबूझ करके बिहार में करेगा। अभी कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10 राज्यों के साथ मीटिंग की और इस विषय को लेकर के एक एक बात हुआ। कितना हेल्थ की तरफ से जो भी काम करने की कोशिश और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो रहा, ये हमारे यहां जब फ्लड आता है, देखिए एक बात बता देते हैं, ये जरा देखिएगा, आज तो नहीं है, जैसे कहीं पानी पड़ता है तो मुंबई में पानी पड़ेगा तो कहेगा कि नीचे के जगह पर पानी आ गया है, अब पटना में पानी आता है तो कहता है कि पूरा जगह पर पानी फैल गया। अरे यार, जो नीचे का जगह है तो वर्षा होगा तो नहीं होगा, जगह जगह का फोटो छपता, इधर देख लीजिए यहां पर है, अभी वर्षा हो रही है तो वर्षा किसी के हाथ में है, रोक लेना। तो तरह तरह की बातें होती, इसलिए हम कहेंगे कि जरा अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। पहले जब कोई काम नहीं करते थे लोग तो भी कुछ नहीं बोलता था कोई, पर अब हम लोग जब इतना काम कर रहे हैं, चाहे आपदा के क्षेत्र में काम कर रहे हो राहत के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए, हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एडुकेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, और तब भी लोग तरह तरह की चर्चा करता, इसलिए हमारा अनुरोध है कि नई पीढ़ी को, जैसा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, यह बहुत सही बात बोले और इसी के चलते हम ये बोल रहे हैं, क्योंकि लोगों को यह बता देना बहुत आवश्यक है कि कितना काम हुआ है। और एक बात हम लोग और आश्वस्त करना चाहते हैं, अगर बिहार की जनता आगे हम ही लोगों को काम करने का मौका देगी तो इतना हम लोग जरूर आश्वस्त करेंगे कि यह काम और ज्यादा बढ़ेगा, एक एक चीज और ज्यादा बढ़ेगा, हर चीज के बारे में हम लोग सोच रहे हैं तो और ज्यादा विकास का काम होगा। हम लोगों ने अब तक जितनी जो भी वचन दिया है और जिसकी घोषणा की है उसको पूरा करने का कोशिश किया, और इसके आगे जो भी आवश्यक है वो काम हम करने की कोशिश करेंगे। सड़कें नहीं थी तो क्या होता था, गांव से जो कोई अनाज वगैरह बेच पाते थे कोई ठीक से? आज स्थिति देखिए, जो हमने कहा कि पहले बाजार बढ़ा, उसी तरह से आप देखिए
लोगों को कीमत बेहतर मिलने लगी है। पहले क्या कीमत मिलती थी, उठा करके कोई व्यापारी ले जाता था और वो कीमत मिलती थी। तो देखिए अब एक एक चीज जो हो रहा, अब एक एक जगह के लिए जो हम लोगों ने किया, पढ़ने के लिए क्या स्थिति रहती थी, कहां जाता था निकल करके, आज कितनी संख्या में पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही। तो हर एक क्षेत्र में हम लोगों का काम है और इन सब चीजों में सड़क की बहुत बड़ी भूमिका। अभी जो आप लोगों ने शुरू किया राजेंद्र बाबू का को उद्धृत करके बताया कि सड़कों की क्या आवश्यकता है, और देख लीजिए सही मायने में कब वो बोले थे और कब सड़क बिहार में बन रहा है। तो जैसे उनके बारे में बता रहे हैं बहुत अच्छा किए, इसलिए नई पीढ़ी के लोगों को बताइए कि राजेंद्र बाबू बोले थे और अब देखिए कि बिहार में कितना काम हुआ है और कितना जगह तक हम लोगों ने सड़कों को पहुंचा दिया। तो मेरा आग्रह यही होगा और बाकी जो काम किए ही हुए हैं, और मैं तो एक ही अनुरोध करूंगा, ये जो सब आप लोग जो काम कर रहे हैं ये काम करिए, लेकिन हम लोगों को तीन चीजों पर बहुत, एक तो जिला मुख्यालय का आप सोच ही लिए हैं और उसके लिए करीब करीब ज्यादातर जिलों का आपने कर दिया, कुछ ही जिले 7 जिला मुख्यालय मुख्यालयों के बाईपास पथों के लिए योजना को स्वीकृत करना बाकी है, उसको भी स्वीकृत कीजिए, वो तो करेंगे ही, और अन्य भी जो हमारे नीचे के स्तर पर और भी जो शहर बाजार कुछ भी है उससे हमको बाईपास करना है, तो अगले चरण में तो हम लोग वैसा जरूर कर देंगे, जितना भी बाईपास बनाना है तो हम लोग बाईपास का भी निर्माण कर देंगे, क्योंकि हर जगह सड़क जब बन गया तो उसको और बेहतर करने के लिए हम लोग ये सब काम करेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।